भगवान गणेश जी को द्वार के ऊपर क्यों विराजित करते हैं? भगवान गणपति शुभ विचारों को देने वाले हैं, विपरीत परिस्थिति में भी प्रसन्न मना रहने वाले हैं। कितना भी बड़ा संकट हो, बात स्वयं पर आन पड़ी हो, तो भी वो परिस्थितियों को सहजता से निकालते हैं। हम सबके जीवन में भी प्रारंभ से यही गुण हो। कई बार बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो लगता है कि सामने वाला मूड में से देकर मार रहा है, गुस्सा भी आती है, लेकिन तो भी हमें सहज हो जाना चाहिए। पिता ने कहा है, जो संसार की पहले परिक्रमा करके आएगा, तो स्पष्ट है मेरा शरीर भारी है, मेरा वाहन बहुत छोटा है, मैं संसार की परिक्रमा प्रथम नहीं लगा कर आ सकता हूं, तो पहले ही क्यों नहीं कह देते कि भैया ही विजयी है? क्यों इस प्रतियोगिता को रख रहे हैं जिसमें मैं जीतूंगा ही नहीं? लेकिन गणपति जी ने ऐसे नहीं सोचा। गणपति जी ध्यान में बैठ गए और उन्होंने कहा, संसार की परिक्रमा लगानी है ना, तो भैया अपने संसार की परिक्रमा लगाएं। मेरा संसार तो मेरे माता पिता हैं, और उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा लगा ली। प्रसंग तो ऐसा था कि उनकी अपने माता पिता से लड़ाई हो जानी चाहिए थी, अपने माता पिता से विद्रोह हो जाना चाहिए था कि उन्होंने बड़े भैया का पक्ष निभाया है, भैया ही जीतेगा। माता पिता दोनों भाइयों में अंतर कर रहे हैं, निश्चित रूप से बाप से गणपति जी की लड़ाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन जहां अपने पिता से लड़ाई होनी चाहिए थी वहां अपने पिता की परिक्रमा कर रहे हैं वो, जहां अपने माता पिता से विद्रोह करना चाहिए था वहां अपने माता पिता को उन्होंने अपना संसार बना लिया। तो जो रोड़े को सीढ़ी बना ले वो भाव, इसीलिए हम गणपति बप्पा को द्वार पर बिठाते हैं ताकि आपको अपने घर के प्रवेश में प्रारंभ में ही उस शुभता का प्रसंग याद हो, ताकि घर में बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, और आपको धीरे 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 समझना होगा कि किस प्रकार क्या हो सकता है जब मैं विवाद को भी प्रेम में बदल दूं। एक तो होता है कर्तव्य निभाना, एक होता है प्रेम निभाना। अपने परिवार के प्रति कर्तव्य तो बहुत सारे बच्चे निभा रहे हैं, लेकिन प्रेम कौन कौन निभा रहा है? कई बार माता पिता प्रसन्न होते हैं, ठीक है हमारे बेटा बेटी हैं, हमारा बेटा हमें बहुत पूछता है, अच्छा लगता है, लेकिन एक बेटा है जो कर्तव्य निभाता है, बाप उसके पास रहता है, लेकिन एक बेटा है जो प्रेम निभाता है। प्रेम निभाने में और कर्तव्य निभाने में बहुत अंतर है। जहां कर्तव्य निभाने वाला बेटा है वहां कार्तिकेय जैसा संबंध होता है, और जहां प्रेम निभाने वाला बेटा है वहां गणपति जैसा संबंध होता है। आप जब परिवार में घुसें, जब आप अपने घर में भीतर जाएं, तब आप गणपति जैसे होकर के जाएं। इसीलिए आप द्वारे पर गणपति को बिठाते हैं, क्योंकि बाहर आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, लेकिन घर के कलेश को जीतने में तो दशरथ जैसे महारथी भी हार जाते हैं। घर में जब कोप भवन खुल गया, बाहर युद्ध के मैदान में आप नहीं हारेंगे। बाहर आपके सामने 10 शत्रु भी खड़े हों कोई बात नहीं, लेकिन जहां बात अपनों से आती है, कई बार हम इसलिए हार जाते हैं क्योंकि हार में ही जीत होती है। कई बार अपनों से हारना पड़ता है क्योंकि वहां हारना ही जीत का संबल है।
क्योंकि वहां बात अपनों की है, बात अपनों की है। तो हम बाहर जैसे हैं वैसे घर के भीतर ना हो। बाहर हम कार्तिकेय जैसे हैं लेकिन घर के भीतर हमें गणेश जैसा होना है। इसीलिए हम गणेश जी को द्वारे पर बिठाते हैं ताकि उनके एक एक भाव, एक एक प्रसंग हमारे भीतर जीवंत रहें। और अगर ऐसा हुआ तो शुभता का आगमन हमारे घर में होगा, कभी कलेश नहीं होगा हमारे घर में। और जिस घर में कलेश नहीं होता उस घर में खाने के लिए दो रोटी कम भी हो तो भी बहुत सुख होता है, बहुत सुख होता है, क्योंकि कलेश नहीं है। और जहाँ कलेश हो वहाँ खाने के लिए 56 भोग हो, सब अपने अपने कमरे में अपनी थाली लेकर चले गए हो, वहाँ सुख नहीं होता। हैं तो 56 भोग सबके मनपसंद बनाए हैं लेकिन सब अपने अपने कमरे में लेकर चले गए हैं, वहाँ सुख नहीं है। इसीलिए हम द्वारे पर गणेश जी को बिठाते हैं ताकि हमारे जीवन में उस शुभता का आगमन हो। जब हम घर में प्रवेश करें तो हमारे जीवन को ये पता हो कि यहाँ प्रेम होगा, कलेश नहीं।